नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश पासवान और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर शुक्रवार को मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू टेक्निक्स, न्यू आइडियाज या कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में, जो आपके LIC के बिजनेस में आपको सपोर्ट करती है। तो अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलर बेस पे हर शुक्रवार को न्यू आइडियाज मिलते हैं। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि क्या रियल में हम एक रियल लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं। हम सारे लोग अपने नाम के पीछे इंश्योरेंस कंसल्टेंट लिख देते हैं या अपने नाम के नीचे इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट लिखते हैं। डू वी रियली मीन इट कि क्या हम रियल में कंसल्टेंट हैं? क्वेश्चन मार्क। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज इसी बात को। कंसल्टेंट, सबसे पहले तो हम कंसल्टेंसी की अगर बात करें या कंसल्टेंट की अगर बात करें तो कुछ कंसल्टेंट्स के एग्जांपल लेते हैं कि कंसल्टेंट्स हमारे आसपास की दुनिया में हमें किस तरीके के लोगों को हम कंसल्टेंट कहते हैं। तो कंसल्टेंट कहते हैं हम एक डॉक्टर को, क्योंकि वो एक मेडिकल कंसल्टेंट है। यस और नो? एक डॉक्टर क्या है? एक कंसल्टेंट है। यस और नो? यस। दूसरी चीज और याद कीजिए, सोचिए किस तरीके के कंसल्टेंट होते हैं। एक एडवोकेट, क्योंकि वो कानून के ऊपर कंसल्टेंसी दे रहा है, लॉ के ऊपर कंसल्टेंसी दे रहा है, तो एडवोकेट क्या है? एक कंसल्टेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कंसल्टेंट है या नहीं? वो टैक्सेशन के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर कंसल्टेंसी देता है, तो अगेन ही इज अ कंसल्टेंट। एक इंजीनियर जो कि अपनी कंसल्टेंसी देता है, किसी बिल्डिंग को खड़ा करता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, पूरे किसी भी टेक्निकल चीज डोमेन में अपनी एक्सपर्टीज को देने के लिए अपनी कंसल्टेशन देता है, तो वो कंसल्टेंट है या नहीं है? तो ये चार एग्जांपल हमने समझे कि चार कंसल्टेंट है। हम अपने आप को भी कंसल्टेंट कहते हैं, तो हम इसी कैटेगरी में पांचवें नंबर पे अपने को भी रख लेते हैं कि एक LIC एजेंट, एक लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट भी एक कंसल्टेंट है, एक LIC एजेंट भी एक कंसल्टेंट है। तो पांच तरह के कंसल्टेंट हमने समझे। आइए इन पांचों तरह के कंसल्टेंट्स की जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हर कंसल्टेंट की कैटेगरी में क्या चीजें डिफाइंड होती हैं। तो कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसल्टेंट के पास डिग्री होती है या नहीं होती। तो चलो एग्जाम्पल से, जो हमने एग्जाम्पल पुट की, इनके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक डॉक्टर के पास डिग्री होती है या नहीं होती? Yes, होती है। MBBS होता है, MD होता है, या कोई भी जिस भी चीज का स्पेशलाइज डॉक्टर है तो वो डिग्री होती है। इंजीनियर के पास डिग्री होती है या नहीं होती? वो BTech होता है, MTech होता है, तो डिग्री होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास डिग्री होती है या नहीं होती? वो तो इतना टाइम लगाता है कि CA को पास करना लोगों के लिए प्रोजेक्ट बन जाता है, तो डिग्री होती है। इसी तरीके से एक एडवोकेट के पास डिग्री होती है या नहीं होती? LLB, LLM है ना, 6-6 साल पढ़ाइयां होती हैं। सोचिए ये सारे लोग कम से कम 4 और मैक्सिमम 6-8 साल तक पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं। अब पांचवी कैटेगरी यानी LIC, क्या हमने इसकी कोई डिग्री ली? जस्ट थिंक अबाउट। तो क्या हम कंसल्टेंट हुए? क्वेश्चन मार्क। ये जवाब आपको नहीं देना, जवाब आपको अपने आप को देना है कि कंसल्टेंट की कैटेगरी में क्या चीजों की जरूरत होती है, किन चीजों की जरूरत होती है और उसमें से क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज की बात कर लेते हैं, डिग्री के साथ इंटर्नशिप होती है। एक डॉक्टर अगर अपनी पूरी पढ़ाई कर लेता है तो उसके बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए इंटर्नशिप करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। और उसके बाद वो फ्री में काम भी करता है, हॉस्पिटल में काम भी करता है और एफर्ट देता है, अपने हर वक्त एक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के साथ में खड़ा रहता है, कैंची पकड़ाता है उसको, हर चीज पकड़ाता है कि अल्टीमेटली वो सारी की सारी चीजें करते हुए सामने देख सके और उसकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो सके। सेम विद इंजीनियर, वो जॉब पे जाके, कंपनीज में जाके 6 महीने की एक इंटर्नशिप करते हैं। सेम विद चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बैठ के इतनी लंबी आर्टिकलशिप करते हैं। सेम विद एडवोकेट, वो किसी वकील के पास, बड़े वकील के पास बैठ के अपनी इंटर्नशिप करते हैं। नाउ थिंक अबाउट LIC एजेंट, क्या हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हमने इंटर्नशिप की हो, जिसमें हमने काम को सीखने के लिए अपने से बड़े, अपने सीनियर, अपने जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है या फिर जो एक रियल में बड़ा एजेंट है उसके पास हमने कोई इंटर्नशिप की हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। चलिए तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों वर्क प्लेस की, कि हर किसी के पास, एक डॉक्टर के पास, एक इंजीनियर के पास, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, एक एडवोकेट के पास अपने काम करने का वर्क प्लेस होता है, यानी अपनी जगह होती है जिस पर वो काम करता है, जहां जाके वो बैठता है उसका अपना ऑफिस होता है। क्या एक LIC एजेंट के पास उसका वर्क प्लेस है? पहुंच गए ब्रांच में,
ब्रांच में जाके डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ बैठे हुए हैं, वहीं पे बैठ के चाय पी रहे हैं, या आपने किसी यार दोस्त के पास पहुंच गए, या आपने किसी ऐसे क्लाइंट के पास पहुंच गए जिसकी दुकान है, तो सोचो वर्क प्लेस होता है क्या? क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वर्क टाइमिंग्स। एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक वकील हो, जो सारे कंसल्टेंट है उनकी हमेशा वर्क टाइमिंग्स होंगी। उनको प्रोफेशनल की कैटेगरी में रखा जाएगा कि उनकी टाइमिंग है सुबह इतने से इतने बजे तक, शाम को इतने से इतने बजे तक, या मिलने का टाइम है, अपॉइंटमेंट का टाइम ये है, या टाइम लेके अपॉइंटमेंट ली जाती है। तो LIC एजेंट से बोले सर 24/7 365 days हम अवेलेबल है, ये सब लोग तो सोचो क्या हम कंसल्टेंट हैं। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। एक डॉक्टर ने डॉक्टर बनने के लिए, वकील ने वकील बनने के लिए, एक इंजीनियर ने इंजीनियर बनने के लिए, और साथ ही साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या किया? उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, उन्होंने अपनी जिंदगी अपने करियर के ऊपर टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, पैसा लगाया, सब कुछ लगाया। एक LIC एजेंट ने क्या लगाया? अगेन क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों इसीलिए लास्ट कैटेगरी जिसे मैं देखता हूं वो है प्रोफेशनल एडवाइस। कि एक्चुअल में प्रोफेशनल एडवाइस की अगर हम बात करें तो चाहे वो डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी कंसल्टेंट हो, वो हमेशा क्या करता है? प्रोफेशनल एडवाइस देता है, क्योंकि उसने अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से निकाला है। तो क्या हमने अपने आप को इस प्रोसेस से निकाला, तो क्या हम रियल कंसल्टेंट है? क्वेश्चन मार्क। Now, if the answer of all these questions are no, अगर जवाब है कि नहीं सर इसमें से एक दो हमने किया है, या कहीं से हमने कोई कोर्स कर लिया है, कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं की, तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं, आप कोर्सेज पे पैसा नहीं लगाना चाहते मत लगाइए, पढ़िए पढ़िए, बुक्स हैं आपके पास, स्टडी करने के लिए मटेरियल है आपके पास, आर्टिकल्स हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, मेरे ही चैनल पे ढेरों यूट्यूब वीडियो हैं, शुरू के 50 वीडियो जाके देखिए, जो इनिशियल लेवल पे जब हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था, शुरू के 50 वीडियो जाके देखिए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। सीखिए, और सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, वीडियो के नोट्स बनाने हैं दोस्तों, नोट्स बनाने हैं। अगर आप बीमा गुरुकुल में आते हैं, बीमा गुरुकुल के कोर्सेज करते हैं, तो वो तो अलग जिंदगी है, बट अगर नहीं भी, देन ऑल्सो यू नीड टू लर्न दिस। आपको अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना पैसा, अपनी आर्टिकलशिप आपको लगानी होगी, तभी आप अपनी प्रोफेशनल एडवाइस दे सकेंगे, तभी आपका ऑफिस बन पाएगा, तभी आपके ऑफिस की टाइमिंग बन पाएगी, और तभी लोग आपको एक रियल कंसल्टेंट मानेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे हर कंसल्टेंट अपनी जिंदगी में एक तपस्या करता है और फिर उसके बाद लाखों करोड़ों रुपया कमाता है, उसी तरीके से आज वो वक्त है कि आपको भी थोड़ा सा उनके जितने 4-5 साल नहीं बट 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपनी पढ़ाई को दीजिए, अपनी जिंदगी में आगे जाने को दीजिए। आप सब लोग कहीं ना कहीं से पढ़ें, सीखें, समझें और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं हमेशा शेयर करता हूं आप लोगों के साथ कि फ्री ईबुक हम हर महीने भेजते हैं, जितने भी हमारे पास हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी ईमेल आईडीज हैं। तो अगर आप फ्री ईबुक पाना चाहते हैं हर महीने, तो 906-906-2040 या 906-906-8070 इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा अपनी ईमेल आईडी, आपके पास ईबुक्स मिलनी शुरू हो जाती है हर महीने। दूसरी चीज, आप इसको पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो एक फॉर्म दे रखा है वो फॉर्म भी भर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे को पर्सनली मेरे साथ जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारी जो प्रोफाइल है सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल की, वो आप इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी पर्सनली तो बहुत सारी चीजें मैं अप्रिशिएट करता हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं रेगुलर लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों अगली बार फिर से शुक्रवार को आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।